गवर्नर हाउस में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सिंध के सैलाब जदगान के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया देने की तकरीब में गवर्नर पंजाब ने तो बिल्कुल यू टर्न ही ले लिया। चंद रोज कबल तक डेंगू के कंट्रोल में नाकामी पर वजीर आला से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले गवर्नर शहबाज शरीफ की तारीफों पर उतर आए। वजीर आला माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक और फाल और हर जगह खुद सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात के 10-11 बजे तक सभी को साथ लेके चलते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स जो 11 बजे 10 बजे से पहले नहीं उठते थे वो भी 7 बजे 6 बजे भाग रहे होते हैं। वजीर आला के लिए प्यार, मगर बड़े भाई नवाज शरीफ को तो गवर्नर ने साफ कह दिया कि अगर असला रखने वाली तंजीमों पर नवाज शरीफ के मुतालबे पर पाबंदी लगी तो शायद मुस्लिम लीग नून भी इससे नहीं बच पाएगी। लेकिन गवर्नर के पास ही बैठे हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने तो गवर्नर की शहबाज शरीफ बारे तारीफ को झुटलाने में जरा भी देर नहीं की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफा लें। दिलचस्प तो ये भी है कि चंद रोज कबल कौमी सेहत कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम भी डेंगू के मामले पर वजीर आला पंजाब के इकदाम की तारीफ करते रहे। पंजाब हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी के कायदीन के बयान पर कारकुन हैरान भी हैं और परेशान भी कि आखिर किसके बयान पर एतमाद करें और किसको नजरअंदाज। कैमरामैन मुमताज खोकर के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर।